राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। राष्ट्रपति की मोहर के बाद अब इसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति की झंडी के बाद भी यह लागू नहीं होगा। कानून की शक्ल अख्तियार करने में अभी इसे वक्त लगेगा। इसे अब भी दो बड़ी बाधाओं से गुजरना होगा, ये है जनगणना और परिमिशन। दोनों ही काफी जटिल प्रक्रियाएं हैं। महिला आरक्षण बिल को इनके साथ जोड़ा गया है। दोनों प्रक्रियाओं को पूरा होने के बाद ही यह अमल में आ पाएगा। जनगणना और परिमिशन दोनों ही समय लेने वाली प्रक्रियाएं हैं। ऐसे में इस बात के आसार है कि महिला आरक्षण विधेयक 2029 के बाद ही लागू हो पाएगा। वैसे जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ऐसा नहीं हो पाया। यह अनिश्चितकाल के लिए टल गई। इसके बाद इस साल जून में भारत के जनगणना रजिस्ट्रेशन जनरल ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने जनगणना की खातिर प्रशासनिक सीमाएं तय करने की तारीख बढ़ा दी। इसे बढ़ाकर 1 जनवरी 2024 कर दिया गया। इन सीमाओं के तय होने पर ही जनगणना शुरू होती है। बिल के साथ दूसरी पेज परमिशन यानी डिलिमिटेशन का है, यह भी समय लेने वाली प्रक्रिया है। परमिशन का काम परमिशन आयोग के तहत होगा। इस आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जज करते हैं। इस प्रोसेस में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं, चूंकि लोकसभा और विधानसभा में निर्धारित आबादी के लिए प्रतिनिधि होता है, लिहाजा आबादी में बदलाव के साथ स्थिति में भी बदलाव आ जाता है। यही कारण है कि जनगणना के बाद परमिशन होता है। अच्छी बात यह है कि जनगणना 2021 डिजिटल तरीके से होनी है। हालांकि वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लग सकता है, यानी देखा जाए तो अभी जिस तरीके से पूरे सदन में इस बिल को लेकर चर्चा हुई, घमासान मचा, और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी काफी समय यहाँ पर जो है महिलाओं को आरक्षण मिलने में लग सकता है। जहाँ पे इन दो बाधाओं को सुलझाने के लिए सरकार कोई दूसरा विकल्प ढूंढ रही है।